हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा की सुबह सुबह की 25 बड़ी खबरें लेकर आ गए हैं। हरियाणा की ताज़ा खबरें, हरियाणा के मुख्य समाचार के वीडियो में जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली सबसे बड़ी खबर से। आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज 20 जिलों में 402 नए मामलों से संक्रमितों का आंकड़ा 13,829 पर पहुंच गया है। इसमें से 8,917 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4689 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं आज ठीक होने वालों की बात करें, यानी 24 घंटे में ठीक होने वालों की बात करें, 495 हैं। और वहीं 5 लोगों की इस कोरोना से 24 घंटे में मौत भी हो चुकी है। अभी तक मौत का आंकड़ा हरियाणा में 223 पर पहुंच चुका है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, हरियाणा में लॉकडाउन का आज 29वां दिन है। गुड़गांव के बाद अब हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 7 स्वास्थ्य केंद्रों पर यह टेस्ट शुरू हो जाएगा। यह टेस्ट 15 से 30 मिनट के अंदर जाँच रिपोर्ट आ जाएगी। बीते ट्रायल के तौर पर कुछ नमूने लिए गए थे, जिनमें से 2 लोग संक्रमित पाए गए थे। जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, हरियाणा में टिड्डियों का बड़ा खौफ। 10 करोड़ टिड्डियों का आतंक रेवाड़ी के बाद झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचा। बुलाई गई आपात बैठक। आपको बता दें, पाकिस्तान से देश में घुसा टिड्डियों का दल राजस्थान से होता हुआ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के बाद अब झज्जर के रास्ते गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली पहुंच गया है। और वहीं सुबह 11 बजे रेवाड़ी से गुड़गांव सीमा पर टिड्डियों का दल जैसे घुस गया, जैसे किसानों ने देखा कि टिड्डियां उनकी बाजरे व ज्वार की फसल तक पहुंच गई हैं, तो लोगों ने थाली, तसला व अन्य बर्तनों को बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया है। जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, कोरोना से जंग। 21 दिन में कोरोना को मात देने वाले युवा सिविल इंजीनियर ने दान किया है प्लाज्मा। आपको बता दें, चावला कॉलोनी निवासी व दिल्ली की एक कंपनी में बतौर सिविल इंजीनियर दीक्षांत अरोड़ा ने अपना प्लाज्मा PGI को कोरोना से जंग के लिए दान किया है। दीक्षांत अरोड़ा ने 21 दिन में कोरोना को मात दी थी। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद चिकित्सकों की अपील पर वहीं PGI के मॉडल ब्लड बैंक में विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह के निर्देशन पर प्लाज्मा दान किया है। जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें, आपको बता दें, शुरुआत हुई है कैंटीन की। प्रदेश के 6 जिलों में और खुली अटल किसान मजदूर कैंटीन। 10 रुपए में भोजन, भरपेट भोजन मिलेगा। आपको बता दें, प्रदेश में अटल किसान मजदूर कैंटीन का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 5 मंडियों में यह फरवरी से चल रही है, लेकिन अब 6 और जिलों में इन्हें चालू कर दिया गया है। प्रदेश में कुल 25 जगह पर यह कैंटीन खोले जाने की योजना सरकार ने बनाई है। सबसे खास बात यह है कि इनमें किसानों व मजदूरों को 10 रुपए में खाना मिलता है। जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें, आपको बता दें, कोरोना को लेकर के जिले में घट रहा है संक्रमण। जिले में 5 दिन में एक्टिव केस 63% कम। 16 मरीजों में मात्र 2 अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें, जींद से खबर आ रही है, कोरोना को लेकर यदि लोग सतर्कता बरतेंगे तो जींद जिला जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकता है। जिले में अब लगातार एक्टिव केसों की संख्या कम हो रही है। परिणाम यह है कि 5 दिन में जिले में कोरोना के 63% एक्टिव केस कम हो गए हैं। जिले में अब 16 एक्टिव केस बचे हैं। इसमें राहत की बात यह है कि 14 कोरोना संक्रमित मरीज होम क्वारंटाइन हैं, जबकि 2 ही मरीज ऐसे हैं जिनको सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया है। जिले में कोरोना को 80 साल के बुजुर्ग से लेकर 5 माह की बेटी ने भी शिकस्त दी है कोरोना को। जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें, आपको बता दें, टिड्डी दल का हमला। किसानों ने ढोल और DJ बजाकर टिड्डियों को भगाया। पछुआ हवा ने गुरुग्राम की ओर मोड़ा है टिड्डियों को। आपको बता दें, जिले में लाखों लोगों में टिड्डियों का खौफ है। आपको बता दें, खेतों में हमला कर रही हैं। किसानों की मेहनत व जिला प्रशासन की जागरूकता के लिए चलते जिले में टिड्डियों से होने वाले बड़े नुकसान को बचा लिया गया है। आपको बता दें, तेज हवा का रुख भी राहत भरा रहा है। इसके कारण टिड्डी दल का रुख अपने आप ही जिले से गुरुग्राम की ओर मुड़ गया है और टिड्डी दल इस प्रकार से पूरे जिले में प्रवेश नहीं कर पाया। टिड्डी दल की जो चौड़ाई की बात करें
6 किलोमीटर और लंबाई की बात करें 10 किलोमीटर के करीब थी। 5 घंटे में ही शहर से बाहर कर दिया गया था। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिखावे के कंटेनमेंट जोन ज्यादातर जगह होमगार्ड नहीं, लोग क्रॉस कर रहे हैं बैरिकेडिंग, शाम को खेलते हैं बैडमिंटन। आपको बता दें ये बड़ी खबर है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। कोरोना संक्रमण के लगातार फैलाव के चलते जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या 101 हो गई है। ऐसे कंटेनमेंट जोन में शुरुआती चरण में जो सख्ती बरती गई है वह अब नहीं दिख रही है। 28 दिनों के लिए बनाए जाने वाले इस कंटेनमेंट जोन में पूरी हलचल है। और वहीं अलग अलग कंटेनमेंट जोन में रैंडम तरीके से चेक किया गया तो इन कंटेनमेंट जोन में ज़्यादातर जगह होम गार्ड नहीं मिले हैं। और वहीं आपको बता दें केवल बैरिकेड्स लगाकर छोड़ दिया गया था। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सैनिटाइज तक नहीं किया गया है। और अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें मानसून को लेकर के 3 विभागों के बीच बटा शहर, ड्रेनेज और सीवरेज सफाई का काम अधूरा, जल भराव के बिगड़ते हालात। आपको बता दें मानसून ने दस्तक दे दी है हरियाणा में, लेकिन अभी जोर का झटका धीरे से अगले सप्ताह लगने वाला है जब बारिश अपना रूप दिखाएगी। जल भराव के बाद शहर की स्थिति क्या होती है इस बात से सभी वाकिफ हैं। सालों से यह समस्या झेल रहे हैं। शहर की सुध लेने के लिए ना तो सरकार कोई योजना बना रही है, ना ही कोई प्रशासन के पास कोई जवाब है। इस समय देखें तो शहर 3 विभागों के बीच बढ़ चुका है, जिसमें जन स्वास्थ्य विभाग, हुडा और नगर निगम शामिल है। और वहीं अगली बड़ी खबर है, सरकार की बड़ी घोषणा, नगर निकाय को परिधि में बनेंगे 50,000 घर, लोगों को फ्री होल्ड व लीज होल्ड पर मिलेंगे घर। आपको बता दें हरियाणा में शहरों में काम करने के लिए आसपास के इलाकों से आने वाले सभी लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना तैयार करने का निर्णय ले लिया है। आपको बता दें इसके तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाएंगे। ऐसे सभी लोग जो अपने कार्य स्थलों के लिए दूर दराज स्थानों से दिन प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उन्हें यह घर फ्री होल्ड या लीज पर दिए जाएंगे। ये योजना बाय बैक विकल्प के तैयार साध की गई है, जिसमें किसी भी समय मालिक के पास घर सरकार को वापस बेचने का विकल्प होगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, वंदे भारत मिशन को लेकर के फिलीपींस में फंसी पत्नी व बेटी को लाने के लिए 7 लाख खर्चे, एयरलाइंस ने टिकट बुक करके कैंसिल की है। हिसार से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये जो खबर बता रहे हैं हिसार से आ रही है। पटेल नगर में रहने वाले प्रदीप कुमार की पत्नी रोजाना डायट और बेटी सिमरन फिलीपींस में फंस गई है। दोनों ही भारत लौटना चाहती हैं, मगर कहीं एयरलाइंस टिकट बुक करके कैंसिल कर देती है तो कहीं एजेंसी हाथ खड़ी कर देती है। आरोप है कि उस समस्या के चलते करीब 7 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। एयरलाइन ने टिकट रद्द करने के बाद 1 रुपया तक रिफंड नहीं किया है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कबूतरबाजी को लेकर के खबर आ रही है, अमेरिका में डॉलर कमाने का सपना पूरा करने के लिए गवाए 18 लाख रुपए, 18 महीने तक काटी है जेल। आपको बता दें पानीपत के हुड्डा सेक्टर 11 और 12 में रहने वाले कमलजीत सिंह पुत्र मंगल सिंह ने अमेरिका में डॉलर कमाने का सपना पूरा करने के लिए 18 लाख रुपए गवा दिए है। वहीं अमेरिका की जेल में 18 माह बंद रहे हैं। और आपको बता दें पंजाब के कबूतरबाज ने कमलजीत को कई देशों की मार्फत अवैध तरीके से अमेरिका भेजा था। जी हां भाई बहनों, आप सभी के लिए सुबह सुबह की 25 बड़ी खबर कैसी लगी? अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर पहली बार चल पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।